आप अपने चैनल में किसी यूट्यूबर का नाम लिख सकते हो या नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी नोटिफिकेशन हो आपके चैनल पे आता रहे। चलिए आप टाइटल देखकर देख ही लिए होंगे, समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक में आपसे आज बात करने वाली हूँ और मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ध्यान से देखिएगा प्लीज़, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो कट कर करके मत देखिएगा। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बहुत से यूट्यूबर के मन में ये आता है, चाहे छोटे चैनल जो भी जैसा भी यूट्यूबर हो, और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। जब भी आप अपना कोई भी ब्लॉग डालते हो तो आप ये सोचते हो ना कि मैं अपने टाइटल में, बड़े टाइटल में, डिस्क्रिप्शन पे ये सोचते हो कि बड़े यूट्यूबर का नाम लिख के डाले तो क्या पता मेरा भी वीडियो का व्यूज आता रहे, ग्रो होता रहेगा। हाँ ये बात सच है, बट जैसे कि आप अपना वीडियो कोई भी बना रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने, जैसे कि टेक्निकल टेक योगी है, टेक्निकल ऐश्वर्या है, मनोज देव, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जब आप कोई वीडियो ब्लॉग डाल रहे हो उसमें, जब आप अपने चैनल में, यू ब्लॉग में जब नाम लेते हो, तब आप अपने डिस्क्रिप्शन पे हैशटैग लगा के तब उनका नाम आप डाल सकते हो, तब आप डाल सकते हो। बट जैसे आपका, जैसे मेरा सोनम डेली ब्लॉग के नाम से है, और बहुत से ऐसे जो ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे कोई कह रहा है कि मैं आज यहाँ जा रही हूँ, ठीक है, ब्लॉग डालना है, उन्होंने ब्लॉग डाला है, ब्लॉग, सिर्फ ब्लॉग कि आज मैं गोभी की सब्जी बनाने जा रही हूँ, ठीक है, गोभी सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो उसने जब आपका अपना नाम, उसमें सिर्फ आपको अपना ही नाम लिखना है, तब उसमें आप क्या बने, ये योगी का, मनोज देव का, शरिया का, तब बड़े किसी यूट्यूबर का नाम, क्योंकि आप ब्लॉग ही बना रहे हो। और ये क्या है, यूट्यूब के बारे में टेक्निकल के बारे में बताते हैं, ठीक है, जानकारी देते हैं, तो ये दोनों कंबाइन हो ही सकता है। जब कोई सर्च करेगा तब आपका ये चीज़ उसमें नहीं आएगा, इसीलिए आप यूट्यूब के जो बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम तब डाल सकते हो जब आप अपने, आपका सेम चैनल भी यही होता है, जैसे कि मैं बना रही हूँ, इस टॉपिक में चैनल बनाती हूँ, अगर मैं अपने चैनल में इस बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम ले रही हूँ, तब मैं अपने चैनल में डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, तब मैं उनका नाम डाल सकती हूँ। और नाम डालने से अगर फ़ायदा ये होता है, कुछ लोग को पता होगा और कुछ लोग को नहीं पता होगा, जैसे कि मैंने मनोज देव का सर का नाम लेकर सर्च किया, तो उसी से रिलेटिव जब मेरा भी उसी टॉपिक में जब वीडियो बना रहेगा, जब उनका खुल कर आएगा, तो उसी के नीचे मेरा भी तुरंत ही ओपन होकर आ जाएगा, तब उसमें ये फ़ायदा आपको रहता है, ठीक है, तभी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि YouTube की तरफ से ये पॉलिसी नहीं, उसमें साफ साफ ये लिख कर आता है कि ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने बनाया तो बड़े यूट्यूबर का भी नाम उसमें अगर आपने डाल दिया तो आपका आएगा, तब आपका सर्च में बिल्कुल भी वो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। टेक्निकल जो भी है, टेक्निकल जो वीडियो वाय बनाते हैं, यूट्यूब जो बनाते हैं, हाँ, और जैसे मनोज देव वगैरह हैं जो भी टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, उनका उनका कोई भी व्यू देखिए मिलियन सब्सक्राइब कुछ भी जाता है, लाखन में, मिलियन में, उनका कितना ज़्यादा देखिए व्यू जाता है, तो अगर उसी से रिलेटिव आपका टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक आपका मिलता जुलता रहेगा, जब कोई वो सर्च करेगा तो आपका कंफर्म उसमें वो टॉपिक आना ही है, चाहे सेकंड नंबर पे आए, चाहे थर्ड नंबर पे, चाहे फोर्थ नंबर, आपका टॉपिक जरूर आएगा। पर प्लीज़ ये गलती तो आपको लोग को बिल्कुल नहीं करना है कि आप ब्लॉगिंग बना रहे, कहीं डांस करने जा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिंगिंग का अलग हो गया है, टेक्निकल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना, कि टेक्निकल का है, आप सिंगिंग का बना के गाना डाला तो उसमें हैशटैग लगा के आपने उनका भी नाम डाला, यूट्यूबर डाला, तो उसमें आपका कभी नहीं ओपन होगा। जो सिंगिंग से रिलेटिव बड़े यूट्यूबर हैं, सिंगिंग से रिलेटिव जो बड़े यूट्यूबर हैं, तब अगर सिंगिंग में हैशटैग लगा के आप अपना डालोगे तब शायद ओपन होकर आ सकता है। और इस तरह से आप चाह रहे हो कि हमने कोई भी वीडियो अपलोड कर दिया, कुछ भी बना दिया,
उसमें हैशटैग लगा दे के नाम लिख दिया, लाइन वाइज लिख दिया, किसी ना किसी का तो आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये गलती खुद भी की थी, मुझे पहले ये चीज़ नहीं पता चला। जब मुझे ये चीज़ पता चला है तो मैं भी, इसीलिए मैं इस टॉपिक में आज वीडियो बनाई हूँ, ताकि मैं भी आपको, मैंने पहले भी कहा, इसीलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ कि जो भी मुझे राइट इन्फॉर्मेशन पता चलता है तुरंत मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग भी ऐसी गलती, क्योंकि ये छोटी छोटी गलती ही हमारे चैनल में व्यू जाना बिल्कुल भी बंद हो जाता है। इसीलिए यूट्यूब में अगर आपने चैनल बनाया है तो बहुत सोच समझ के ही, ध्यान से, अच्छे से, सिंपल तरीके से आप वीडियो बनाइए। किसी का कॉपी पेस्ट करके कुछ भी मत करिए, ठीक है? इसी तरह से ही आपको वीडियो बनाना है, और आपका किसी बड़े यूट्यूबर का नाम लिखना है, उस टॉपिक से रिलेटिव जब आपका चैनल रहेगा तब जाकर आपका उस सर्चिंग में हैशटैग लगा के तभी आपका नाम भी उसमें आ जाएगा। ओके, समझ में आ गई ना बात? और ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग।